जैसे लेबल टेक्स्ट बॉक्स रेडियो बटन चेक बॉक्स से ये सब आप कैसे लगा उनको आप किससे लगाएंगे फॉर्म कैसे लगाएंगे। दूसरा हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा सिस्टमेटिक फॉर्म्स, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपके फॉर्म के साथ एक बहुत बड़ी कहानी क्या है कि फॉर्म में आप डेटा डालोगे तो सब क्या होगा अनसिस्टमेटिक होगा, आगे पीछे आगे पीछे आपको उधर होगा। तो फॉर्म के साथ को सिस्टमेटिक करने के लिए हम क्या क्या करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको फॉर्म को सिस्टमेटिक करने के दो तरीके हम बताएंगे, एक टेबल टैग से और दूसरा आपका रहेगा सी एस एस से। ठीक है, सी एस एस तो आपको जहाँ भी आपके पास है ये आपको एक तरीका बताया जाएगा। इसी दौरान आपको ध्यान रखिएगा हम थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट की तरफ भी हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे आज की, ये वेब डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, क्योंकि फॉर्म में डेटा आपको डालना है पर उस डेटा को डालने के बाद उसकी प्रोसेसिंग किसके पास है ये भी सोचने वाली सवाल है। हमने जैसे मान लीजिए यूजर ने पासवर्ड दिया तो यूजर ने पासवर्ड को चेक कौन करता है, एचटीएमएल चेक करना नहीं जानता है। ठीक है, हमने मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल रेट टाइम डाला तो उसको कौन सॉल्व करेगा, सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करेगा डेफिनेशन आप देख देंगे लिखी का फॉर्म।